तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, यह कहना है हरीश रावत का। यूसीसी को भी लेकर उन्होंने कहा और सवाल पूछा है सरकार से दरअसल कि यूसीसी से उत्तराखंड को आखिर क्या लाभ होगा। यूसीसी केवल दिखावा है, हरीश रावत का यह कहना है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यूज़ स्टेट से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सरकार से उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं। यूसीसी को लेकर भी उन्होंने कड़ा प्रहार सरकार पर किया है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा, ये भी अब आपको सुनाएंगे। एक तो केदारनाथ चुनाव चूंकि ज्वलंत विषय है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। 29 तारीख लास्ट डेट है और अगर बाहर से कोई समीक्षा करता है तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा में ग्राउंड लेवल पर और कांग्रेस में टॉप लेवल पर जो एक कलह है, एक विरोध है, गतिरोध है, वो बना हुआ है। नहीं, कहीं कोई कांग्रेस में तो कोई गतिरोध है ही नहीं, कोई कलह है ही नहीं। हाँ, लोगों ने अपने सुझाव रखे, कुछ मेथडोलॉजी पर कभी कभी कुछ बातें होती हैं और मैंने तो देखा, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैंने दूसरे दिन जो अखबारों में छपा, वो तो बड़े जॉली मूड में एक दूसरे से वो सवाल कर रहे थे। तो ऐसे सवाल उठते हैं जब आप बातचीत में उठते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। केदारनाथ में आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं उपचुनाव में पब्लिक के सामने, क्या क्या जीत के को सुनिश्चित करने का आधार क्या है आपकी नज़र में? देखिए, पहला तो ये है कि हम केदारनाथ बाबा हमेशा दुर्बल कमजोर के साथ रहे, उनको आशीर्वाद रहा है। शिव ने हमेशा कमजोर को, अहंकारी को नहीं दी है, उन्हें कमजोर को भक्त वो दी है। तो हम कमजोर भक्त हैं उनके, सिर्फ भोले और केदारनाथ की जनता उनका प्रतिरूप है, वो हमको आशीर्वाद देगी ताकि हम एक अच्छे मजबूत विपक्ष बन सके। दूसरा आधार ये है कि इन्होंने केदारनाथ यात्रा को, चार धाम यात्रा, पहले पूरी चार धाम यात्रा को और केदार यात्रा को भी पूरी तरीके से मिसमैनेज किया और उससे लोगों की का बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा रास्ते के होटल मोटल दुकानदार दूसरे व्यवसायी सबकी आजीविका को इन्होंने प्रभावित किया है। इन्होंने गलत तरीके से यात्रा की निर्णय लिए, उसका दुष्प्रभाव है। तीसरा, इन्होंने एक बड़ा आघात पहुंचाया लोगों को। दिल्ली एक केदारशिला भेज करके और वहाँ धाम बना दिया केदारधाम और कहा ये जो यहाँ नहीं जा सकता यहाँ दर्शन करेंगे और जिस समय शीतकाल होगा तब यहाँ केदार बाबा वास करेंगे यहाँ। तो शंकराचार्य का काम भाजपा ने अपने हाथ में ले लिया, भाजपा के नेताओं ने जो है, तो उससे अपमानित महसूस कर रहे हैं जो केदारनाथ के लोग हैं। और फिर पंडा पुरोहित हक हकूकधारी पुजारी लोग जो इस यात्रा का न जाने कितने हजारों सैकड़ों साल से उसका संचालन देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं, उन लोगों के हक हकूक को आप मार रहे हो। आपने चांदी निकाल दी, कहा सोने की परत लगेंगे, वो चांदी कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। और पा रहे हैं कि बस इन्होंने केवल कांग्रेस की बनाई हुई गुफाओं में ध्यान लगाने का काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। एक और मुद्दा यूसीसी वाला है, रूल रेगुलेशंस की जो एक रिपोर्ट थी वो सरकार के पास आ गई है, उसको लागू करने वाले हैं तमाम, ऐसी एक प्रयास चल रहे हैं कि यूसीसी को लेकर के लागू करने को लेकर आपका क्या मत है? वो एक बचकाना प्रयास था लेकिन धामी जी को उसका फायदा हुआ, कम से कम भाजपा के अंदर तो फायदा हुआ। अब दूसरे नेताओं के लिए ज़रा धामी जी का कद ऊंचा हो गया है, उनको वो नोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूसीसी लोगों को ये लग रहा है कि भाई इस आदमी ने भाजपा का एक बड़ा भारी वादा था तो उस वादे के लिए बहाना दे दिया। मगर उत्तराखंड को क्या मिला? हो सकता धामी जी को मिला हो सकता है भाजपा को बहाना मिला, लेकिन इस यूसीसी से उत्तराखंड को क्या मिलने जा रहा है? एक इशू और है कि सरकारें एडोकिज्म क्यों अपनाती हैं, मतलब मलिन बस्तियों पे 6 साल से अध्यादेश चल रहा, फिर 3 साल के लिए अध्यादेश आ गया, या तो रेगुलर कर दिया जाए या खाली करा ले, मतलब क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? देखो, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना था। मैं तो
कानून भी बना करके गए मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का, और कैसे होगी नियमितीकरण उसके लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम ब्रह्मपुरी से स्टार्ट किया हमने, वो भी करवा ले गया करवा करके गया ताकि हम एनजीटी और आदि को जवाब दे सकें। और हमने उसके रूल्स भी बनाए, और रूल्स ही नहीं बनाए, श्री रमन उस समय यहाँ के जिलाधिकारी थे, आज भी शायद सरकार की सेवा में होंगे, और हमने 1000 के करीब लोगों को मालिकाना पत्र भी बांटे, तो अब इनके लिए उस कानून को ये रद्द भी नहीं कर सकते, और उस कानून को ये निगल भी नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरिद्वार में खाद्य विभाग की कार्रवाई